दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी वाइफ की है जो अपने हस्बैंड के होते हुए दूसरे मर्दों के साथ रिलेशन बना दी है और उन्हें खूब झूले देती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम विक को उसकी वाइफ मलीना के साथ देखते हैं और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम ट्रेसी है। तो विक और मलीना आज एक पार्टी में जाने वाले हैं, तो वो ट्रेसी को संभालने के लिए घर पर एक औरत को बुलाते हैं। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां मलीना को उसका एक फ्रेंड जॉल मिलता है। मलीना जॉल से बातें करते हुए पार्टी से बाहर आ जाती है और विक अब पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तो जब वो देखता है कि मलीना यहां पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगता है और वो जॉल के साथ उसे लपलपाटा करता हुआ देखता है। पर अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर वो ज्यादा हैरान नहीं होता और वहाँ विक की एक फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को जॉल के साथ देखा है। पर विक ये बात पहले से जानता था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड की इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जॉल आकर विक से कहता है कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुमने अपनी वाइफ को मेरे साथ देख भी लिया फिर भी तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तो विक कहता है कि तुम्हें पता है तुमसे पहले एक और मार्टिन नाम का लड़का मेरे वाइफ का बॉयफ्रेंड था और आज वो इस टाउन से गायब है। तुम्हें पता वो कहाँ पर है, मैंने उसे पानी में डुबाकर मार दिया। तो ये सुनकर जॉल की फटके फ्लावर हो जाती है तो वो डर के मारे पार्टी छोड़कर भाग जाता है। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और मलीना और विक भी वापस घर आने के लिए निकल पड़ते हैं और घर आने के बाद विक मलीना को बॉडी मसाज देता है, लेकिन मलीना उसे दूसरे रूम में जाने को बोलती है। अगले सुबह विक की एक फ्रेंड कैली विक से कहती है कि मैंने सुना है तुम लोगों को मार रहे हो। तो विक कहता है कि मैं तो नहीं मार रहा, ये किसने कह दिया तुमसे। तो केली बताती है कि जॉल ने ये बात पूरे टाउन में फैला दी है कि तुमने मार्टिन को मारा, लेकिन विक कहता है कि मैंने तो सिर्फ जॉल से मजाक किया था, मैं किसी को नहीं मारा। अब विक के फ्रेंड भी उससे यही कहते हैं कि यार तुमने मार्टिन को क्यों मारा। तो विक कहता है भाई मैंने किसी को नहीं मारा, जॉल के साथ तो मैंने सिर्फ मजाक किया था। विक जब घर आता है तो मलीना उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि विक ने जॉल को उस दिन पार्टी में धमकाया था। तो मलीना कहती है कि मैंने आज जॉल को डिनर पर बुलाया है और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। इसके बाद जॉल यहाँ पर डिनर के लिए आता है और डिनर के बाद मलीना विक को दूसरे रूम में भेज देती है और जॉन के साथ बेडरूम में जाकर रेलगाड़ी छकाचक करती है जिससे विक को काफी गुस्सा आता है। मलीना जब वॉशरूम में जाती है तो विक जॉन के पास आता है तो जॉल कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो ना। तो विक कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मार्टिन को मैंने ही मारा था हथौड़े से और फिर उसे पानी में फेंक दिया और अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो अब मुझे नजर ना आना। तो जॉल इतना डर जाता है कि वो टाउन छोड़कर ही भाग जाता है। अगले दिन विक और मलीना एक डॉम नाम के आदमी से मिलने जाते हैं जो एक राइटर था। तो डॉम विक से कहता है कि मैंने सुना है तुम लोगों के मर्डर कर रहे हो। तो ये सुनकर विक कहता है कि ये सब अफवाहें हैं इसलिए तुम ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ विक एक लड़की के साथ डांस करता है जिसे देखकर मलीना को काफी ज्यादा जेलस फील होता है और घर जाते हुए ये लोग बातें करते हैं। फिर घर जाकर ये दोनों रेलगाड़ी खचाखच करते हैं। अब कई दिन गुजर जाते हैं तो विक को पता चलता है कि मलीना ने चार्ली नाम के एक बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। तो विक मलीना से चार्ली के बारे में पूछता है जिसपे मलीना कहती है कि हाँ चार्ली को मैं पसंद करती हूँ। तो विक कहता है कि तुम्हें चार्ली के साथ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मलीना कहती है कि मैं तो मिलूंगी क्योंकि मुझे चार्ली अच्छा लगता है। ये सुनकर विक को काफी गुस्सा आता है। तो एक दिन जब विक और मलीना चार्ली के घर पर पार्टी करने जाते हैं तो मलीना तो बहुत खुश होती है, लेकिन चार्ली को देखकर विक को गुस्सा आ जाता है। तो रात को विक मलीना और चार्ली को पूल में एंजॉय करता हुआ देखता है तो ये देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और मलीना घर के अंदर चली जाती है। तो विक अच्छा मौका देखकर चार्ली को पूल में डुबाकर मार देता है और चुपचाप शरीफ बनकर अंदर जाता है और पार्टी एंजॉय करने लगता है। अब मलीना चार्ली को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलता। तो जब वो पूल में चार्ली की बॉडी को देखती है तो जोर से चिल्लाती है और वो लोग चार्ली की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं तो चार्ली मर चुका था अब तक। तो जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता तो वो चार्ली की मौत को एक एक्सीडेंट ही मानते हैं। लेकिन मलीना को विक पर शक था कि विक ने ही चार्ली को मारा है तो मलीना डॉम के साथ मिलकर विक के पीछे एक पुलिस वाले को लगा देती है ताकि वो उस पर नजर रखे। और एक दिन विक उस इन्वेस्टिगेटर को मलीना के साथ देख लेता है और जब विक को पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेटर को डॉम के साथ मलीना ने मिलकर विक के पीछे लगाया था तो विक सीधा डॉम के घर पर चले जाता है और उस पर काफी गुस्सा होता है। इसके बाद विक जब घर पर आता है तो वो मलीना को एक और लड़के के साथ देखता है। इस लड़के का नाम टोनी होता है। तो रात को विक मलीना को टोनी से बात करते हुए देखता है तो वो सुनता है कि मलीना और टोनी शहर को छोड़कर जाने वाले थे। तो विक काफी परेशान हो जाता है और अगले दिन टोनी विक के घर पर आ जाता है और वो मलीना के साथ ड्रिंक करता है। फिर मलीना टोनी को बेडरूम में लेकर जाती है और उसके साथ रेलगाड़ी चलाती है। ये देखकर विक का पारा गर्म होने लगता है। तो अगले दिन विक टोनी से कहता है कि मलीना ने टाउन से बाहर एक प्रॉपर्टी देखी है तो क्या तुम वो प्रॉपर्टी देखना चाहोगे। तो टोनी भी विक के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तो विक टोनी को टाउन से बाहर ले जाता है और ये कार से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। अब टोनी आगे चल रहा था तो विक उसे पत्थर से मारकर गिरा देता है। तो ऊंचाई से गिरने पर टोनी की वहीं डेथ हो जाती है। तो विक अब नीचे आता है और वो टोनी का पर्स निकालकर उसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबा देता है। इसके बाद विक घर पर आ जाता है और अपनी बेटी के साथ डिनर करता है। मलीना विक से कहती है कि मुझे आज घूमने जाना है
तो विग उन दोनों को लेकर घूमने जाता है और विग मलीना को एक एल्बम दिखाता है जहाँ पर मलीना की काफी ज्यादा पिक्चर्स थी। तो मलीना अपनी पिक्चर्स देखकर काफी खुश होती है। तभी विग देखता है कि उसकी बेटी खेलते हुए नदी के पास चली गई है, तो वो उसे रोकने जाता है और ये वही जगह थी जहाँ पर विग ने टोनी की बॉडी को डुबाया था। तो वो देखता है कि टोनी की बॉडी तो नजर आ रही है, तो वो फौरन मलीना और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए मलीना विग को बताती है कि मेरा स्कार्फ तो वहीं पर रह गया है जहाँ पर हम रुके थे। तो विग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल लेकर आ जाऊंगा। और घर आकर ये दोनों रेलगाड़ी चलाते हैं और अगले दिन विग मलीना का स्कार्फ लेने के लिए वहाँ पर जाता है और घर पर मलीना विग को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाती है जहाँ पर वो टोनी का पर्स देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि विग ने टोनी को मार डाला। मलीना को अब कुछ समझ नहीं आता तो वो डॉम को कॉल करके बताती है कि विग ने टोनी को मार दिया है। उधर विग भी उस जगह पर पहुंचकर टोनी की बॉडी को वहां से हटाने लगता है और तभी वहां पर डॉम भी आ जाता है और वो विग को कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो विग बताता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहां पर रह गया था, उसी को ढूंढ रहा हूं। तो डॉम कहता है कि स्कार्फ तो मेरे पास है, तुम वहां पर क्या कर रहे हो। और डॉम वहां पर टोनी की बॉडी को देख लेता है और ये देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो विग अपनी साइकिल से उसके पीछे जाता है। डॉम वहां पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन घबराहट की वजह से वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाता और विग जंगल से शॉर्टकट लेकर डॉम की कार के सामने आ जाता है और डॉम विग को बचाते हुए अपनी कार का एक्सीडेंट कर देता है और वहीं पर मर जाता है। अब विग वापस घर पर आता है और मलीना को परेशान देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो मलीना कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन मलीना सब कुछ जानती थी कि विग ये सारे मर्डर कर रहा है, लेकिन वो विग को कुछ भी नहीं कहती और वो टोनी का पर्स भी जला देती है और समझ जाती है कि विग उससे बहुत प्यार करता है और इसके बाद वो विग के साथ अच्छे से रहने लगती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।